अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ आइसक्रीम शेक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि समर की मोस्ट फेवरेट और मोस्ट डिमांडिंग रेसिपी है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ आइसक्रीम ले लेंगे। आइसक्रीम आप किसी भी फ्लेवर की ले सकते हैं। मुझे और मेरे बच्चों को पिस्ता फ्लेवर पसंद है, इसलिए मैं पिस्ता फ्लेवर ले रही हूँ। अदरवाइज आपकी मर्जी है, आपके बच्चों को और आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो वो ले सकते हैं। यहाँ ये 6 टेबल स्पून में पिस्ता आइसक्रीम लूँगी, क्योंकि मैं 3 गिलास आइसक्रीम शेक बना रही हूँ। ब्लेंडर का जग ले लेंगे और यहाँ पर ये 20 अदद बादाम थे जिसको मैंने स्लाइस में कटिंग कर लिया है, ऐड कर देंगे। अब यहाँ हम 2 टेबल स्पून जामशीरी के लेंगे। आप इसमें रूह अफ़ज़ा भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो दोनों में से आप वो ऐड कर सकते हैं 2 टेबल स्पून। इससे कलर भी अच्छा आएगा और हमारा टेस्ट भी इन्हेंस हो जाएगा। अब बारी आती है आइसक्रीम की। आइसक्रीम मैंने 6 टेबल स्पून लिए हैं, वो भी बिल्कुल भरकर। स्क्रैप ऑफ कर लेंगे। बर्तन को अच्छे तरीके से साफ कर लिया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो जाए। अब यहाँ पर दूध ऐड करेंगे। दूध इसमें 600 ml जाएगा, 200 ml पर ग्लास के हिसाब से। क्वांटिटी आप डबल ट्रिपल जितनी करना चाहें कर सकते हैं। चीनी ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे बंद करके 7 से 8 मिनट तक चलाएंगे, या इतनी देर चलाएंगे ये जो बादाम हमने ऐड किए हैं ये मिक्स हो जाएं इसके साथ। सिर्फ हमें बादाम का टेस्ट महसूस हो शेक में, ना कि बादाम हमारे मुँह में आए। ब्लेंडिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है, आइए सर्व करते हैं। ग्लास ले लेंगे और उसमें आइस क्यूब ऐड करेंगे, जितना ठंडा आपको पसंद हो। वैसे दूध भी ठंडा था और आइसक्रीम भी, इसके अलावा आपको जितना ठंडा पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए बेहतरीन शेक हमारा रेडी है। हर चीज़ इसमें ब्लेंड हो चुकी है, कोई भी चीज़ इसमें मोटी नहीं रही है। अगर आपके बच्चों को बादाम पसंद है तो आप ऊपर से डेकोरेट करके बच्चों को दें, अदरवाइज़ आप बच्चों को ऐसे भी दे सकते हैं। बेहतरीन आइसक्रीम शेक हमारा रेडी है, जो कि गर्मियों में आप किसी भी टाइम बच्चों को बनाकर दे सकते हैं, या अगर आपके कोई गेस्ट आते हैं तो आप उनके लिए भी बना सकते हैं। जिसको भी बनाकर आप लाएंगी आपसे रेसिपी पूछे बगैर नहीं रह पाएगा। तो इन गर्मियों में आइसक्रीम शेक बनाएं मेरे तरीके से, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, या आपके जो ख़ास हैं उनके लिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।